हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो दोस्तों यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी लेके हम आ चुके हैं और आज जो है हमारी रेसिपी सुपर हेल्दी होने वाली है। तो यहाँ पे आज हमारे पास है रागी के मुरमुरे। यस दोस्तों, तो ये जो है 200 ग्राम का पैकेट है और इसके अंदर जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है आप देख सकते हैं रागी के मुरमुरे हैं। तो ये ऑनलाइन भी मिल जाता है, लोकल मार्केट में भी मिल जाता है, 40-50 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। तो इसका हम आधा जो है उसके मुरमुरे बनाएंगे, आधा जो है उसके हम क्या करेंगे, उसके जो है हम बेल बना देंगे। उसके अलावा इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे, तो मसालों के अंदर जो है हम यहाँ पे चाट मसाला, यहाँ पे सिंधालो नहीं बट काला नमक है, संचर भी बोलते हैं गुजराती में इसको, हल्दी पाउडर है, यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च, जीरा है, साबुत जीरा। उसके अलावा यहाँ पे हमने जो है सौंफ, वरियाड़ी बोलते हैं वो ले लिया है, तिल ले लिया है, यहाँ पे हमने काजू के टुकड़े करके ले लिए हैं, मूंगफली के दाने, किशमिश ले लिए है, और हमने जो है यहाँ पे तेल ले लिया है कुकिंग करने के लिए, फ्राई करने के लिए। यहाँ पे हमने प्राइम सोर जो है क्या बोलते हैं कि मकाई जो है उसके पोहे हमने ऑलरेडी फ्राई करके ले लिए हैं, और यहाँ पे एक हमने जो है नीम के पत्ते जो है उसको भी ले लिए, खाने के अंदर जो डालने वाले नीम के पत्ते आते हैं वो हमने यहाँ पे ले लिए हैं। तो चलिए दोस्तों इसकी रेसिपी बनाना सीख लेते हैं। सुपर इजी है, आप अपने बच्चों को नाश्ते के लिए बना के दे सकते हैं, उसके अलावा भांजे भतीजिया जो वेकेशन में आते हैं तो उनके लिए नाश्ते में बना के दे सकते हैं, आपका बच्चा कहीं पढ़ाई करने जा रहा हो तो उनको भी जो है पूरा डब्बा भर के आप इसको खाने के लिए दे सकते हैं, उसकी हेल्थ भी अच्छी होगी और फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे हमारे जो है मुरमुरे उसको हम फ्राई कर लेते हैं। दोस्तों तो यहाँ पे हमने जो है गैस को शुरू कर देते हैं, और ये एक्चुअली हमने ऑलरेडी प्री हीट करके रखा था, तो अब जो है गैस को थोड़ा सा हम धीमा कर देते हैं। तो ये जो है ना ऑलरेडी क्रंची है काफ़ी, तो इसको जो है हम एक आध मिनट तक ही हल्का फुल्का ही जो है इसको रोस्ट करेंगे, जिससे कि हल्का कच्चापन मुझे लग रहा है वो निकल जाएगा। तो इसको जो है इस तरीके से चलाते हुए आराम से रोस्ट कर लेते हैं। दोस्तों इसको हमने जो है एक आध मिनट तक रोस्ट कर लिया है, तो गैस को भी बंद कर लेते हैं और इसको जो है हम एक थाली के अंदर हमारी जो थी उसके अंदर निकाल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा रागी का मुरमुरा है उसको हम जो है फ्राई कर लेते हैं। तो हमारे जो है 1 से 1.5 चम्मच तेल हमने ले लिया है, और हमारे पतीले को हमने थोड़ा सा प्री हीट कर लिया था दोस्तों। तो चलिए थोड़ा सा हम जीरा टेस्टिंग कर लेते हैं, तेल गर्म हुआ है कि नहीं उसको जानने के लिए। गैस को हम थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं, नहीं तो मसाले जो है सब जल जाएंगे। जीरा डाल देते हैं, हमारा ग्रीन जो है क्या बोलते हैं मीठा, एक सेकंड ना, थोड़ा सा भी और स्लो कर देते हैं। यहाँ पे हमने जो है हल्दी डाल दी है, सौंफ, तिल, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, चाट पाउडर, और अब इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फ्राई कर लेते हैं। गैस को धीमा रखिएगा, नहीं तो मसाले तो आपके जो है सब जल जाएंगे। गैस को बंद कर देते हैं, गैस को चालू रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इस तरीके से चलाते हुए इसको जो है हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं दोस्तों, और फिर टॉपिंग्स डाल देंगे। तो चलिए दोस्तों टॉपिंग्स में सबसे पहले जो है सबकी फेवरेट जो है सेव हम डाल देते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास मूंगफली के दाने हैं उसको भी हम डाल देंगे, उसके बाद जो है हमारे काजू इसको भी हम डाल देंगे, और यहाँ पे हमारी सबकी फेवरेट किशमिश। उसके बाद डाल देते हैं हमारे मकाई के पोहे, हमारे प्राइम्स, और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारी सबकी फेवरेट जो है बूंदी। यस तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका फेवरेट एड ऑन क्या है, टॉपिंग्स क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं और एयर टाइट कंटेनर में भर के इसको जो है हम खाएंगे और मज़े करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, इसकी सामग्री जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, और रेसिपी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू, गुड बाय, एंजॉय योर लाइफ।